बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में एक शादी समारोह में सुबह 10:45 पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ममता ने अपने पारंपरिक अंदाज में बांग्ला में शपथ ली। ममता ने फिलहाल अकेले शपथ ली है, उनके कैबिनेट के सदस्य बाद में शपथ लेंगे। सिर्फ तृणमूल के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई, जो 6 और 7 मई को विधानसभा सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इधर कोरोना महामारी के मद्देनजर राजभवन में आयोजित सादे समारोह में मात्र 50 लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। इसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष चुनाव नतीजों के बाद राज्य में जारी हिंसा के चलते शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया और वह नहीं गए। समारोह में तृणमूल कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता व सांसद मौजूद थे। इसके अलावा ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मौजूद रहे। राजभवन में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे राज्य सचिवालय नवान्न के लिए रवाना हो गए। नवान्न को ममता के आगमन के लिए विशेष तौर पर सजाया गया है। वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पुलिस उपायुक्त कम्बैट IPS धृतिमान सरकार के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद CM राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। ममता बनर्जी अधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना को लेकर कड़ा फैसला ले सकती हैं। बता दें कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि कोरोना पर नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। फिलहाल बंगाल में आंशिक लॉकडाउन है।